पहुंच जाए अपना सेफ, और शायद 24 आवर्स हम लोगों को ये हो सकता है कि मोर देन 24 आवर्स या फिर 48 आवर्स भी जिस भी तरह से कंडीशन रहेगी हमें वहाँ पे रहना पड़ जाएगा। तो अभी कुछ प्रोबेबली 24 आवर्स तक तो मान के चलिए कि 24 आवर्स हमें रहना ही रहना है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि यहाँ पे कैसी सिचुएशन रहती है। तो चलो रिया बेटा, और क्या मतलब यहाँ सरकार को आप क्या क्या कहना चाहते हो, आपको वहाँ पे क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं और आपके घर वालों को क्या परेशानियाँ हो रही हैं? अभी फिलहाल तो सरकार से सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि जैसे इन लोगों ने, जैसे सरकार ने अफगानिस्तान में इवैक्यूएशन करा था, अपने इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन सिटीजन को निकालने के लिए इवैक्यूएशन करा था, तो ऐसी ही इवैक्यूएशन करी जानी चाहिए। इतने 18,000 स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ पे, तो एटलीस्ट कुछ तो निकले और कुछ क्या, सभी को निकालना चाहिए। अभी जितना भी लेट करेंगे उतना बद से बदतर होते जा रहे हैं यहाँ पे हालात जितने भी हैं, और पेरेंट्स पेरेंट्स तो मिनट मिनट में पैनिक हो रहे हैं क्योंकि इंडियन मीडिया न्यूज दिखा रहे हैं, पेरेंट्स न्यूज भी देख रहे हैं, सब चीज देख रहे हैं, सबके घरों में टीवी चल रहा है, तो जिस भी हिसाब से सिचुएशन चल रही है सारी लाइव अपडेट हो रही है, और उसी के करके सारा हमारा जो ये पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स सब पैनिक हो रहे हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कहाँ पे हो, कैसे हो, क्या सिचुएशन है। तो अभी मेट्रो स्टेशन पे जाके बेटा अपना खाने पीने कैसे करोगे फिर आप? खाने पीने का ताऊ जी ऐसा है कि खाने पीने का हम लोगों ने जो जितना भी सूखा सामान रहता है, जैसे ब्रेड हो गई, दूध हो गया, नमकीन हो गए, बिस्किट हो गए, या जो भी है 24 आवर्स का, एटलीस्ट 48 आवर्स का तो बैग में पैक करके रखा ही हुआ है हमने। चलो मतलब इतना तो है ना, वगैरह पानी की क्या जाएंगे हम लोग। हाँ अपना ज्यादा से ज्यादा बेटा खाने पीने की चीजें अपने साथ जरूर रखो, कपड़े चाहे ना हो लेकिन खाने पीने की जरूर आपके चीजें जरूर आपके पास होनी चाहिए। चलो और क्या क्या परेशानियां हो रही हैं आपको वहाँ पे? और तो फिलहाल तो एटीएम में सुबह कैश निकालने के लिए गए थे, हमारे इंडियन कार्ड भी वर्क नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो कैश की शॉर्टेज भी बढ़ रही है कि बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स ने, जैसे मेरे पेरेंट्स ने सुबह कैश डलवाया है एकदम इमरजेंसी में, तो कैश निकालने का यहाँ पे तीन घंटे से ज्यादा तो लाइन में खड़े रहे, और उसके बाद जब हमारा नंबर आया तो पता चला कि सारे हमारे इंडियन कार्ड वर्क ही नहीं कर रहे हैं, और बैंक में भी शॉर्टेज ऑफ कैश हो गई है यहाँ पे।